अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर कामरान और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्राइमोलेट एन टैबलेट के हवाले से। तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बगैर आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइमोलेट एन, अगर इसके जेनरिक नेम की बात करें तो इसका जेनरिक नेम जो है वो नॉर्डिस्टेरोन है। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो प्राइमोलेट एन है। स्ट्रेंथ जो है 5 मिलीग्राम है। और अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये प्रोजेस्टेरोन कैटेगरी जो है हार्मोन की उससे ताल्लुक़ रखती है। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये सिर्फ ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। ये जो है यूट्रस की एबनॉर्मल ब्लीडिंग में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा पेनफुल पीरियड ब्लीडिंग में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा औरतों की एक बीमारी होती है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी इसे कहते हैं, उसमें ये इस्तेमाल की जाती है डिले पीरियड के लिए। यानी अगर किसी ने किसी वजह से अपने पीरियड्स जो हैं वो डिले करने हों तो उसमें भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस में भी इस्तेमाल की जाती है। अगर इसकी डोजेज की बात करें तो पेशेंट की ज़रूरत और कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल होती है। अगर किसी ने पीरियड डिले करने हैं तो 5 मिलीग्राम की टैबलेट जो है ये दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल की जाती है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो वो डॉक्टर रिकमेंड करती है कि कितने दिन इस्तेमाल करनी है। और अगर किसी ने इरेगुलर पीरियड में इस्तेमाल करनी है, यानी बात खातिन में पीरियड जो है वो रेगुलर नहीं होते, दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, जल्दी आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में जो है 5 मिलीग्राम की टैबलेट जो है दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल होती है। अगर तरीका इस्तेमाल की बात करें तो जिस डेट को पीरियड्स आने होते हैं उससे 3 दिन पहले शुरू करवाया जाता है और जब इसे छोड़ा जाता है तो इसके साथ ही पीरियड्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे चक्कर आ सकते हैं, वज़न बढ़ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकते हैं। अगर इसकी प्रिकॉशन की बात करें तो जिसको इस साल से एलर्जी है वो इसको इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंट फीमेल और ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, और जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिनको ब्लड क्लॉटिंग है वो अभी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिनको कोई किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ है वो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये तो थी छोटी सी वीडियो प्राइमोलेट एन के हवाले से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।